अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो जी हाँ दोस्तों, क्या अब आईसीसी पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल का मुद्दा है वो बीसीसीआई के सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने रट लगा रखी है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना और बीसीसीआई के साथ तगड़ी मीटिंग होने जा रही है। दो इमरजेंसी मीटिंग इस वक्त बुला ली गई है, तो कब ये मीटिंग होने जा रही है और कहां पर ये मीटिंग होगी, तो ये आज का हमारा मौजू बहस है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा है कि बीसीसीआई और एसीसी एक ही चीज है, उन्होंने रट लगा रखी है कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है वो रिजेक्ट करना है, कि भाई अगर यहां पर हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया तो फिर भाई हमें वर्ल्ड कप के अंदर भी हाइब्रिड मॉडल देखने को मिल सकता है। उनको डर असल में यही है, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि भाई हम पाकिस्तान से टूर्नामेंट सारा जो एशिया कप है वो श्रीलंका शिफ्ट कर देंगे। अब हम आते हैं उस न्यूज के ऊपर जो बहुत ही अहम न्यूज है। दो मीटिंग होने जा रही हैं, एक आईसीसी की मीटिंग होगी, ये भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, और दूसरी मीटिंग होगी एसीसी की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की और एशियन क्रिकेट काउंसिल की। अब मीटिंग होने जा रही है, पहली मीटिंग होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, यानी कि ठीक आज से 5 दिन अगर आप कहें जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस होगा उस वक्त एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है ओवल के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। बीसीसीआई की यानी कि बड़े जो आपको बताए तमाम बोर्ड्स के 10 मुल्क वहां पर शिरकत करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, तो तमाम लोग वहां पर ओवल के अंदर शिरकत करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस होना है। तो वहां पर आईसीसी पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का उसका मुद्दा बीसीसीआई के सामने रख सकता है। ये अब पाकिस्तान क्रिकेट जो मतलब एक ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये आ रही है न्यूज़ के, यानी कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल का मुद्दा है वो आईसीसी की जो आज से ठीक 5 दिन बाद ओवल के अंदर मीटिंग होगी उसमें यह मुद्दा रखा जा सकता है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट क्यों बीसीसीआई ने किया और इसकी वजह क्या है और एक्सेप्ट क्यों नहीं हो सकता, क्या वजह है। इसके अलावा दूसरी जो मीटिंग है वो शायद इसके बाद हो, दुबई के अंदर कंफर्म हो चुका है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग भी दुबई के अंदर होने जा रही है जहां पर नजम सेठी भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखना होगा ये मीटिंग अब यानी कि आईसीसी से पहले होती है या बाद में होती है, मुझे लगता है कि आईसीसी की मीटिंग के बाद होगी, यानी कि वहां पर कुछ डिस्कस हो गया तो यानी कि इसके बाद यहां पे अनाउंस किया जाएगा। अगर उससे पहले होती है तो फिर जो इंडिया मतलब रट लगा के बैठा हुआ है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट करके पूरे टूर्नामेंट श्रीलंका के अंदर शिफ्ट करना है तो फिर पाकिस्तान पहले ही हाथ खड़े कर चुका है, पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। तो ये सिनेरियो, दो इमरजेंसी मीटिंग भाई बुला ली गई है, एसीसी की दुबई के अंदर होने जा रही है और आईसीसी की जो मीटिंग है वो होगी जनाब ओवल के अंदर। तो ये दो बड़ी मीटिंग होने जा रही है। अगर आपको अपडेट से चलेगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब।